पहली फिल्म मिली एक टैलेंट हंट से, तो मुझे लगा कि बस गुरु हो गया। लेकिन जब पिक्चर नहीं चली तब वो सब हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था और मैं उसके लिए तैयार नहीं था। काम मांग रहा था, घूम रहा था, मुझे इस शहर का ईस्ट और वेस्ट क्यों होता है नहीं पता था। तो किसी ने बताया कि एक रेलवे लाइन है और वो रेलवे लाइन के उधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो ऐसे ऐसे इस शहर से मैं परिचित हुआ। उस बीच कुछ भी नहीं था, तो एक दिन महेश मांजरेकर सर ने बोला, विनीत असिस्ट कर लो, और फिर मैंने वो शुरू कर दिया। तो लगा कि किसी फिल्म में हो जाएगा, अगली फिल्म में हो जाएगा, चलो इसमें नहीं हुआ अगली वाले में हो जाएगा। ऐसे करते करते कुछ 6-7 फिल्में हो गई, नहीं हुआ। तो फिर ये हुआ कि चलो फिर से शुरू करते हैं। तो फिर से शुरू किया और चलती रही कोशिश। मैं अनुराग सर को जानता था क्योंकि सर, अनुराग सर बनारस से हैं, मैं बनारस से हूँ, लेकिन मैं इस वजह से सर के पास नहीं जा रहा था क्योंकि सर, जैसे ही पता चलता है कि आप अंकल या कोई चिट्ठी विट्ठी फ़ोन वोन के हिसाब से आए हैं तो भगा देते हैं, और ऐसे भगाए गए लोगों को मैं जानता हूँ बनारस में। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं भी भगाया जाऊँ और उसी श्रेणी में जाके शामिल हो जाऊँ। तो मैं कोशिश कर रहा था कोई एक ऐसा काम मिल जाए कि उसे मैं सर को दिखा सकूँ तो जाऊँ। वो पहला काम पाने में 10 साल लग गया, और जब भी वो पहला काम आया सर के पास गया, तभी लकीली किस्मत अच्छी थी, गैंग्स ऑफ वसीपुर की कास्टिंग हो रही थी। जी, तो मेरी ये पहली हिंदी ऐसे बॉलीवुड पिक्चर है, लेकिन एक्चुअली ये चौथी फिल्म है। इससे पहले बिल्कुल इंग्लिश हिंदी काइंड ऑफ फिल्म्स थी। हाँ, हिंदी डेब्यू तो यही है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था एक्चुअली। जो विनीत हैं, अनुराग हैं, राजीव सर, शंकर सर, ये एक्चुअली सब बहुत डाउन टू अर्थ हैं एंड ये बहुत केयरिंग है। एंड बस यू नो, को एक्टर्स के लिए नहीं, सब पे जो पूरी क्रू है सबके लिए, दे वेरी केयरिंग, दे रियली लुक आफ्टर यू। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी नहीं, ये डिफ़िकल्ट तो था ही, लेकिन हम लोग चाहते थे कि ये बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल रियल, बहुत रिलेटेबल हो, क्योंकि यू नो शी शुड लुक लाइक अ रियल पर्सन। ये ऐसे कैरेक्टर नहीं लगना चाहिए और कैरिकेचरस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने पिक्चर्स देखी हैं उनमें कैरेक्टर ज़्यादातर डेफ होते हैं, ये म्यूट है, तो ये सब सुन सकती है, उसको वॉल्यूम का यू नो छोटी छोटी डिटेल्स का उसका अंदाज़ा है। तो ये बिल्कुल लाउड नहीं है। उसमें जो अग्रेशन है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इसी बात से आता है कि वो आप मुझे क्यों समझ नहीं रहे हो, मैं तो जो कहना चाहती हूँ मैं कह रही हूँ, मैं आपको समझ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो। और तो कम्युनिकेशन का फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये भी है कि वो लड़की है, वो जिस काइंड ऑफ सेटिंग में है उसकी प्रॉब्लम जो हैं, तो उसका फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ से आता है। और मुझे, मैं चाहती थी कि जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं, यू दिस नो पॉज आपके थॉट्स के बीच, और आप जो बोल रहे हो आप सोचते नहीं हो, आप झिझकते नहीं हो, तो बस साइन लैंग्वेज भी वैसे ही हो कि बिल्कुल फ्लो में, अच्छा, अच्छी तरह से, आसानी से वो आ जाए। एंड जो मेरी टीचर है संगीता गाला, वो आई मीन शी इज़ फैंटास्टिक, तो मैंने उनके साथ काफ़ी महीने लाइक ट्रेनिंग की। ऐसा इंसान हूँ जो कुछ बड़े मेथड या उस तरीके से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आते आते ही वैसी चीज़ें आएंगी, बट अभी इतना कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। होता है किरदार, आप सोचते हो उसके बारे में और फिर उस एक आध दिन में उसका सुर आप पकड़ लेते हो और फिर उसको फॉलो करते हो। सर, आप बताइए कि आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जब इस तरह की फिल्म आती है उनके बाद? यार, मेरे को तो जिम्मेदारी का वैसे तो नहीं पता, मुझे मज़ा आता है फिल्में बनाने में, और मेरी सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ूं जिनके साथ मुझे मौज आए, जिनके साथ मेरी एक वेवलेंथ जुड़े। और इस केस में अनुराग कश्यप के साथ मैं काम करना चाह रहा था। मेरा बड़ा मन था कि मैं कुछ करूं जो उनके साथ हो, और जब उन्होंने मेरे को मुक्काबाज की कहानी बताई तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं है उनके साथ जुड़ने का। और एक बड़ी अपने हिसाब की एक बहुत ज़रूरी फिल्म है, बिल्कुल एक लव स्टोरी है, बट उसका जो बैकड्रॉप है, जो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स का, बहुत टाइम से उसको लेके एक एक इतने रियलिस्टिक लेवल पे किसी ने बात नहीं की। और
अनुराग की ये खासियत है कि वो जिस चीज़ को लेके आते हैं उस चीज़ को बहुत बहुत पैशनेटली एग्रेसिवली उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, इस फिल्म में उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत एग्रेसिवली बात की है। सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो कि मैं एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ूँ, और मैंने वो किया। सर, एक फिल्म जो कि साल के स्टार्टिंग में आ रही है और एक आपकी और एक फिल्म जो कि साल के आखिरी में आ रही है जी, और कल ही जिसका अनाउंसमेंट हुआ, तो कुछ बताइए सर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैंने टीजर देखा जीरो के में बात। हाँ, वो मेरे लिए अपने लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है, और हर फिल्म के साथ आप अपने अंदर एक 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 बदलाव एक 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 ग्रोथ मांगते हैं। तो मैं अपने अंदर एक ग्रोथ मांग रहा था आफ्टर तनु वर्ड्स वनु रिटर्न्स, तो मुझे लगा कि मेरे को एक ऐसी कहानी सुनानी चाहिए, और एक लंबा प्रोसेस है इस कहानी को लिखने में, इसको फ्लोर पे लेके जाने में, और अब इसको रिलीज़ करने में। ये एक नॉर्मल कहानी से थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रही है, बस उतना। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि हम लोग ऑडियंस को उसका टाइटल और एक एक ग्लिम्स दिखा दें। तो हमें लगा कि साल शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से कर लेते हैं। अब एक साल है, हम अपनी फिल्म पूरी करेंगे और 21 दिसंबर उसको लेके भी आ जाएंगे। सर, जिस गाने के साथ टीजर आया है, सॉरी वो कंटिन्यू कर रहा था जी, हीरो की सुपर जी, मतलब वो जो पुराना गाना है उस गाने को चुनने में आपका कितना हाथ था, शाहरुख का कितना था, और क्यों उस गाने को ही चुना आपने? मतलब गाने के साथ ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिसको मैं सिर्फ इधर ये बात करके ख़त्म नहीं करने देता। मैं देता हूँ थोड़ा और वक्त आपको बहुत जल्दी, और इसके ऊपर एक पूरी एक डिस्कशन करते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा ये सुन के कि ये कैसे हुआ था। तो ये अपने आप में पूरा एक एपिसोड है, इसको अलग रखते हैं अभी। अच्छा सर, मैं अगर टाइटल की अगर सर बात करूँ जीरो, क्योंकि काफ़ी दिनों से बात चल रही है क्या टाइटल रखेंगे, तो शाहरुख अनुष्का कंटिन सभी के डिसीजन के बाद या आपका डिसीजन था कि जीरो टाइटल रखेंगे, इस पर अगर आप कुछ देखिए, इस वक्त ना मेरे मन में ना मुक्काबाज चल रहा है और बहुत बहुत जोर शोर से चल रहा है। इतना बता दीजिए कि आइडिया किसका था, क्या सबका शामिल था, बस इतना। क्या आपका डिसीजन था कि नहीं हम जीरो रखेंगे? नहीं, डिक्टेटर तो मैं भी नहीं हूँ लाइफ में, मिलजुल के फैसला करते हैं, और इसलिए थोड़ा वक्त लिया था ताकि बहुत सारी चीज़ों को समझ लें, कर लें। ऐसा नहीं होता, आप जब एक फिल्म बनाने उतरते हैं तो बहुत सारे टाइटल्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, पर आप कहीं ना कहीं आपकी एक कन्विक्शन आती है, और जिस वक्त वो कन्विक्शन आती है उस वक्त आप वो तय कर लेते हैं। पर अभी भी मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए इस वक्त बड़ा टाइटल मुक्काबाज है, तो उस पर हम लोग थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं। जीरो के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। जी जी, यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिमी सर के बारे में बात करते हुए मैं ना दो बार सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि इतना अपनापन है और इतने वो मेरे अजीज़ हैं कि मेरी हर बात को पता नहीं सच माना जाएगा या सिर्फ प्यार माना जाएगा। सो पर हाँ, ये बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इन्हें नहीं ढूँढता, मेरी कहानियाँ इन्हें ढूँढ लेती हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला कि यार इस फिल्म में जिमी सर के लिए एक रोल होना चाहिए, वो कहानी अपने आप एक रोल निकाल के लाती है जिस पे बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है जिमी शेरगिल, तो और मेरे पास कोई चारा नहीं होता और मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। आनंद जी, क्या लकी चार्म भी है जिमी, मतलब एक हल्की सी झलक दिखा दो तो आपको लगता है कि मतलब अंदर कहीं एक मन में भी बात बैठी है, क्योंकि शुभमंगल चौधरी ने बहुत छोटा सा एक जनरल टाइप है फिर भी, लेकिन नहीं, अब इनको दोस्त बनाया, इनके पास भी कोई चारा नहीं है कि ये मेरी फिल्म में दिखें ना देखें तो भी ये मेरे साथ रहते हैं। तो लकी चार्म तो ये मेरे, अगर हैं तो ये मेरे साथ हमेशा हैं, चाहे वो फिल्म के अंदर दिख रहे हैं या फिल्म में, जब मेरी जिस फिल्म में ये नहीं है उसकी स्क्रीनिंग चल रही होती है तो भी ये मेरे साथ खड़े होते हैं।